अब आया मेरे से बात कर रहा है, मामी मैं इंस्टा पे इतने फॉलो हो गए, ये हो गया वो हो गया, बस इंस्टा के बारे में बात करे। उन्हें तीसरी कोई बात नहीं करी, कोई इंस्टा का ही चक्कर है बाकी। इंस्टाग्राम पे किसी बातचीत? हाँ जी उससे ही। हाँ जी हमें उसके बारे में कुछ नहीं, ये हम कुछ नहीं कह सकते किससे करता है फोन, हम उसके चेक करते नहीं, तो वो इंस्टा पे ही करता था, मतलब ज़्यादा पूरे दिन वो इंस्टा पे ही रहता था। हाँ जी बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई हमारे साथ सर भी। मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश की है, मैंने उसको बोला कि बेटा आप डीपी क्यों नहीं लगाती हो इंस्टा पे, तो मेरे को बोलता मम्मी डीपी लगानी जरूरी थोड़ी होती है, ठीक है। तो मैंने उसको बल्कि एक दिन मजाक में बोला तो आप मेरी डीपी लगा दो, तो कहता नहीं मैं ऐसे बिना डीपी से रखूंगा। सर कोई और मैटर तो है नहीं, सिर्फ शायद मुझे लगता है इंस्टा का ही कोई मैटर है, इंस्टा से ही उसे किसी ने मैसेज में या चैट जो भी है उसे बहकाया गया सर। पुलिस में दे दी? हाँ जी सर पुलिस में दे दी है, मेरे बच्चे को बहकाया गया, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये 15 वर्षीय लवली की है, जिसे अपने घर से लापता हुए 2 से 3 दिन हो चुके, और जो पूरा परिवार है उनकी हालत जो है बुरी हो चुकी है, क्योंकि 2 से 3 दिन हो चुके हैं बच्चा जो है घर से लापता है और कुछ भी उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत से खोए हुए बच्चों को, बहुत से खोए हुए बुजुर्गों को उनके घर तक, उनके परिवार तक जो है वापस पहुँचाया है। और आज फिर से एक 15 वर्षीय बच्चा है लवली, जो घर से 2 से 3 दिन पहले चला जाता है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी खबर जो है पता नहीं लग पा रही। परिवार देख पा रहे हैं, उसकी माँ देख पा रहे हैं किस तरह से परेशान हो रही है, हर जगह कोशिश की जा रही है कि उसके बारे में कुछ भी पता चल सके, कोई हिंट मिल सके कहाँ पर है बच्चा, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पा। उनकी माँ से बातचीत करते हैं, कब की बात है, किस तरह से वो घर से निकला, क्या कुछ घर में कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था, क्या बच्चा गुस्सा तो नहीं था किसी चीज़ को लेकर, उनसे बातचीत करते हैं। मम्मी आप उनकी? हाँ जी मैम। क्या कुछ हुआ था, किस तरह से? मैम कोई बात नहीं हुई थी, सवेरे वो पेपर देने गया था, ठीक है, पेपर दे के 11:30 बजे के करीब आया, उसके बाद घर में गेस्ट आए हुए थे, उसने खाना खुना खाया है, तो उसके बाद वो 1:30 बजे तक हम सभी परिवार घर पे थे, हमें कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ गया 3-4 घंटे के लिए। मैंने उसको बोला बेटा आप घर में रहना और गेट बंद रखना, कहीं जाना मत, और मैं 2-3 घंटे में आ जाऊँगी। उसके बाद 2:58 पे मेरे पास व्हाट्सअप कॉलिंग आई है उसकी, मुझसे पूछा गया मम्मी आप कहाँ हो, तो मैंने कहा मैं कहीं आई हुई हूँ, मैं 1-2 घंटे में आती हूँ। मैम जब मैं 7:30 बजे के करीब घर पर आई तो मुझे पड़ोसियों ने, मैम मैंने गेट आया, किराएदारों का लड़का आया ऊपर से, ठीक है, तो किराएदारों का लड़का आया, तो मैंने उससे पूछा कि मेरा लवली इतनी जल्दी आज कैसे सो गया, तो उसने मुझे ये बात बोली कि दीदी वो घर पर नहीं है। तो मैंने कहा तूने गेट की चाबी किससे ली, तो उसने बोला मैंने सामने वाले पड़ोसियों से चाबी ली है, वो तो आज 3 बजे से ही 3:30 बजे के लगभग वहां से घर से गया हुआ है। उसके बाद मैडम मैंने जहां भी पूछताछ करने की कोशिश करी, एक शॉप के एक यहाँ बैठता था, या मतलब कि किसी की दुकान पर भी जाके बैठता था, उन यार दोस्तों में उनसे भी बात करने की कोशिश करी, मैं स्टेशन पर भी गई, ठीक है, लेकिन मुझे मैडम उसका कुछ नहीं पता गया। फिर उसके बाद मैं रामनगर थाने में भी गई हूँ कि सर मेरी FIR दर्ज करवाई जाए, मेरा 3 बजे के बाद मेरा बच्चा घर से नहीं है। उन्होंने बोला मैम हम अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, 24 घंटे के बाद आना आप, ठीक है। फिर कल मैम मैंने सारा दिन उसको ढूंढा, स्टेशन पे भी, न्यूज़ में भी दिया, मैंने हर जगह पर दिया, फिर उसके बाद मुझे 6 बजे तक कुछ नहीं, उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर मैम मैं उसके बाद वहाँ रामनगर थाने में गई, उन्होंने FIR दर्ज करी 6-7 बजे के करीब, लेकिन आज मैम 3रा दिन है उसका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल में है, कैसे है, मुझे कुछ नहीं पता। तो क्या कोई लड़ाई झगड़े कुछ डांटा था उसको? नहीं, मैम किसी बात की कोई डांट नहीं, कोई उसे परेशानी नहीं थी किसी चीज से, मेरे से भी परेशानी, मेरे से तो बहुत अच्छे से पेश आता था। उसे कुछ बिहेवियर अलग लग रहा था, क्या कुछ बात थी? हाँ मैम इंस्टाग्राम पे बिजी रहता था, जब भी मैं कभी उसे बात करने की कोशिश, इंस्टा पे रहता था, किसी के फॉलोअर्स वगैरह या किसी को लाइक, मुझे कहता था मम्मी उसको इतने फॉलोअर्स मिल गए हैं, वो उसको इतने बंदों ने लाइक किया है, ये ऐसा हो गया, सिर्फ इंस्टाग्राम पे। मैम लगता है किसी से बात करता हो क्या कुछ? बिल्कुल मैम, अगर वो इंस्टा से ही हो सकता है किसी से बात करता था और उसी से उसी को किसी ने बहकाया गया। ऐसे दोस्त तो ऐसे नहीं थे, कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं। मैम मेरा बच्चा नशे प्रकार वाले बच्चों से बहुत दूर था, क्यों, वो इस सोसाइटी का बच्चा नहीं था, वो किसी से मतलब नहीं रखता था, लेकिन शिव कॉलोनी के बच्चों से मतलब नहीं रखता था। वो कहता था मम्मी यहाँ के लोग ऐसे हैं लेकिन मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा था, काफी समय से ही चल रहा होगा। मैम कुछ लोगों से अपील करना चाहिए? मैम मैं लोगों से अपील यही करना चाहूंगी कि जिस किसी को उसके बारे में कोई जानकारी है या मेरे बच्चे का किसी को कुछ पता है तो हमें उसकी सूचना दी जाए। आप एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। हाँ जी। और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, अगर किसी को पता चल पाता है आपके बेटे के बारे में तो वो आपको कॉन्टैक्ट। हाँ जी ये उसकी तस्वीर है, जिस और जिस किसी को भी इसका पता लगे तो मुझे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9416863092, ठीक है। मेरी हाथ जोड़ के लोगों से अपील है, जहाँ भी किसी ने इसको देखा या किसी को पता हो मुझे जल्दी से कोई इसकी सूचना दी जाए।
तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो माँ है किस तरह से परेशान होते हुए दिख रहे हैं। पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और 3 दिन हो चुके हैं, लवली के बारे में कुछ पता नहीं चला। हालांकि सोशल मीडिया आजकल काफ़ी ट्रेंड में, लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं, बच्चे रहते हैं और हर एक चीज़ के प्रोज भी रहते हैं, कॉन्स भी रहते हैं। सोशल मीडिया काम भी आता है, लेकिन आजकल जो बच्चे खो जाते हैं उसमें कि उन्हें अपनी असल ज़िंदगी के बारे में पता नहीं चलता आखिरकार क्या हुआ। हालांकि माँ का यही कहा जा रहा है कि काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम में खोया रहता था, कि आप तब वहाँ पर किसी से बातचीत चल रही थी, किसी के बहकावे में आया, क्या कुछ बात हुई है कि वो घर से इस तरह से अचानक से जो है लापता हो चुका है। तो कुछ और परिवार के मेंबर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप कौन है? मैं उसकी बड़ी सिस्टर हूँ। बड़ी सिस्टर है, हाँ जी। तो क्या कुछ आपको, कुछ आप तो बड़ी बहन है, कुछ आपसे शेयर किया हो, कुछ बताया? कुछ भी नहीं बताया हमारे को, कुछ नहीं बताया। कुछ ऐसा हो कि बच्चों को तो ना मतलब घूमने का मन करते हैं, ऐसे दोस्तों के साथ चले जाते हैं बिना बताए, ऐसे कुछ कोई बात शेयर? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक था बिल्कुल, हमारे साथ बैठा बैठा था, कुछ नहीं बस हुआ। हाँ जी। तो आप मतलब घर पर आई थी उसी दिन वो, फिर हाँ जी चला गया था? उसी दिन आए थे हम, गए जैसे उधर अपने घर, तो वो 3 बजे निकल गया। तो घर से क्या कुछ लेकर गया है वो? वो 2 जोड़े बैग में डाल के 1200-1300 रुपए लेके गया, बस और कुछ नहीं लेके गया। तो पुलिस में कंप्लेंट करवा दी है? हाँ जी। तो उसके दोस्तों से कुछ पता चल पाया, कुछ दोस्त जानते हो उन्हें कुछ बताया? दोस्त है ही नहीं थे उसके, स्कूल के दोस्त, स्कूल में सारे बच्चे आए हुए हैं, स्कूल से भी कोई गायब नहीं। बातचीत की है कोई आपका रिश्तेदार हो, कोई उनके घर ना चला गया हो, किसी दोस्त के पास? कहीं नहीं गया, रिश्तेदारी में भी कहीं नहीं गया। तो मैम सारे ही हमारे साथ हैं, सबसे बातचीत कर ली है, रिश्तेदार सारे के सारे जितने भी हमारे रिश्तेदार थे सभी यहाँ पर आए हैं। उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता मैम, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, वो इंस्टाग्राम से ही या तो निकला या उसे किसी ने बहकाया। हालांकि परिवार जो है इंस्टाग्राम की बात कर रहा है कि काफी दिनों से इंस्टाग्राम पर खोया रहता था, हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है क्या कुछ बात होगी। आप नानी हैं उसकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह से? बस यही कहना चाहते हैं जी, उसका कुछ नहीं पता चल रहा, कहाँ है कहाँ नहीं। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहते हैं, जिसको पता चले तो हमें खबर करें। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, माँ परेशान होती हुई दिख रही है, नानी यहाँ पर मौजूद है, बड़ा जो बड़ी बहन है वो यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से परिवार जो है परेशान हो रहा है, जाहिर सी बात है आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि 3 दिन से बच्चा जो नानी यहाँ पर रोती हुई दिख रही है, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं बच्चा घर से लापता है और उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील, इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आपने इससे पहले भी बहुत से बच्चों को उनके घर तक पहुँचाया और हमें नहीं पता क्या कुछ बात थी, लवली किसी इंस्टाग्राम पर किसी से बात करता था, क्या कुछ कारण था। अगर लवली भी ये वीडियो देख पा रहा है किसी भी जरिए से, तो आपसे भी बेटा हम कहेंगे कि आप जल्दी से घर आ जाइए। आप देख सकते हैं मम्मी की कितनी बुरी हालत हो रही है, मम्मी परेशान हो रही है, आपकी नानी किस तरह से रो रही है, पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुआ है कि आप घर पर वापस आ जाओ। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील, कोई भी अगर व्यक्ति आसपास देखता है किसके बारे में पता चलता है लवली के बारे में, तो आप लोगों से यही अपील, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ये तस्वीर आप लवली की देख रहे हैं, जो महज 14 से 15 साल उसकी उम्र थी, पिछले 3 दिन से जो है घर से लापता है, घर से लापता है। परिवार वाले जो है काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी माता जी हैं यहाँ पर हाथ जोड़कर जो लोगों से अपील करी है कि अगर किसी को भी जो उनके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो वो जरूर इनके परिवार को जो है सूचना दें। उनकी माता जी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन क्या कुछ बात होती है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव था, इंस्टाग्राम पर चलाता था, किससे बात करता था क्या करता था वो जो है ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सभी परिवार के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान जरूर हैं। लवली के बारे में जो है कोई भी जानकारी जो है पिछले 3 दिन से नहीं मिल पाई है, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, सभी रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी माता जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, लवली कब से लापता है, क्या कुछ बात हुई थी? सर वो 3 दिन से ही लापता है और बात घर में कुछ नहीं हुई, मुझे नहीं कुछ भी पता, मैं घर से किसी रिश्तेदारी में गई हुई थी, उसके बाद में जब घर में आई वो मुझे नहीं मिला। ठीक है सर, मेरी लोगों से हाथ जोड़ के यही अपील है कि जिस किसी ने उसे देखा या जिस किसी को उसके बारे में कुछ भी पता है, सर मेरा नंबर है 9416863092, सर मुझे मेरे बच्चे से मिलवाया जाए, इससे ज़्यादा मैं दुनिया किसी से कुछ नहीं कहना चाहती। तो किसी से बात होती थी उसकी? सर इंस्टाग्राम पे ही कई बार मैंने उसको देखा, इंस्टाग्राम पे ही लोगों से बात करता होगा, मुझे नहीं सर किसी के बारे में कुछ भी। यहाँ पे कोई उसका यार दोस्त नहीं? सर यहाँ उसका कोई यार दोस्त नहीं था, कुछ नहीं था। स्कूल में पता किया? स्कूल में मैं गई थी सर, उसके स्कूल में पूरे 40 बच्चे हैं, जिसमें से कल मैं स्कूल में गई थी, पेपर चल रहा था मैथ का, जिसमें 39 बच्चे उसकी क्लास में बैठे थे सर, उन्होंने बोला भी परसों आया था, लेकिन हमारी उससे कोई बात नहीं हुई। तो परसों भी पेपर दे के आया? हाँ जी परसों। तो फिर दोपहर को निकल गया था? हाँ जी दोपहर, परसों 11 बजे पेपर दे के आया, उसके बाद 1:30 बजे तक वो मेरे साथ था और 1:30 बजे के बाद सर मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो मैंने उसका 2:58 पर मेरे पास व्हाट्सअप कॉलिंग आई है, जिसमें उसने मुझे पूछा है मम्मी आप कहाँ हो, तो मैंने बोला मैं अभी 2-3 घंटे में आ रही हूँ, मैं कहीं आई हूँ। तो उसके बाद सर जब मैं 7:30 बजे के बीच में घर पर आई हूँ तो मुझे नहीं मिला, मुझे मेरे किराएदार मिले हैं घर पर, उन्होंने बोला दीदी गेट तो खुला है अंदर वो नहीं है।
तो बिल्कुल परसों जो है पेपर देकर लवली जो है स्कूल से आता है और उसके बाद 11 बजे वो आता है और 3 बजे के बाद जो है वो घर पर ताला लगाकर जो है चला जाता है और बताया जा रहा है कि 2 जोड़ी कपड़े ले गया है, कुछ पैसे ले गया 1500 के करीब और यहाँ पर जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है नवे जूते लिए थे लवली ने, वो भी जो है लेकर चला जाता है। आप यहीं पर रहते हैं भैया? यही पे रहते। उस दिन मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अभी बाहर चला गया जिस टाइम दीदी और तो घर ही थे, उस टाइम ये सारे घर ही थे, मैं अपना इधर बाहर चला गया घूमने फिरने। उसके बाद 3 बजे पता चला लवली इनको सामने वालों को चाबी दे गया था, भाभी से पूछा, भाभी ने मना कर दिया चाबी देने से। उस टाइम फिर ये थे नहीं, इनकी फिर गुड़िया आई चंदा, चंदा नाम की लड़की है, उन्होंने मुझे चाबी दी, फिर मैंने ताला खोला। फिर शाम को दीदी और आए, उन्होंने कहा कि लब्बू लम्बू, मैं कहा दीदी जी पता नहीं, चाबी उनको दे गया था आगे मुझे पता नहीं। बस तो चाबी जो है पड़ोसियों को देकर चला जाता है और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से तमाम परिवार के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 जोड़ी कपड़े ले गए हैं 1500 के करीब जो है, घर से जो है पैसे ले गए हैं और जूते भी जो है नवे लिए थे। आप उनकी भाभी हैं? मामी हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? लवली कब से लापता है? लवली 3 तारीख से लापता है, 3/10 को लापता है वो 2022। कोई नहीं था, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, नॉर्मल ही था। हम परसों मिलके गए हैं, कुछ नहीं था, हंस रहा था, बोल रहा था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। अच्छा इंस्टाग्राम की बता रहा था वो हमारे को, कोई ऐसी बात नहीं थी, हंस रहा था कुछ, कोई मतलब कोई उसको परेशानी नहीं थी, अकेला रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब उसको अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आया मेरे से बात कर रहा है, मामी मैं इंस्टा पे इतने फॉलो हो गए, ये हो गया वो हो गया, बस इंस्टा के बारे में बात करी, उन्होंने तीसरी कोई बात नहीं करी, कोई इंस्टा का ही चक्कर है बाकी। इंस्टाग्राम पे किसी से बातचीत? हाँ जी उससे ही। हाँ जी, हमें उसके बारे में कुछ नहीं, ये हम कुछ नहीं कह सकते, किससे करता है फोन, हम उसके चेक करते नहीं, तो वो इंस्टा पे ही करता था, मतलब ज्यादा पूरे दिन वो इंस्टा पे ही रहता था। हाँ जी, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई हमारे साथ। सर मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश की है, मैंने उसको बोला कि बेटा आप डीपी क्यों नहीं लगाती हो इंस्टा पे, तो मेरे को बोलता मम्मी डीपी लगानी जरूरी थोड़ी होती है, ठीक है। तो मैंने उसको बल्कि एक दिन मजाक में बोला तो आप मेरी डीपी लगा दो, तो कहता नहीं मैं ऐसे बिना डीपी से रखूंगा। सर कोई और मैटर तो है नहीं, सिर्फ शायद मुझे लगता है इंस्टा का ही कोई मैटर है, इंस्टा से ही उसे किसी ने मैसेज में या चैट जो भी है उसे बहकाया गया सर। हाँ जी सर, पुलिस में दे दी है, मेरे बच्चे को बहकाया गया, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था। तो लवली के बारे में जो है अब तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, 3 दिन से जो है लवली लापता है, महज 15 साल उसकी उम्र है। फोटो भी जो हमने आपको बार बार दिखाई है कि लवली के बारे में अगर किसी को भी कोई भी जानकारी मिलती है तो वो जो है उनके परिवार तक जो उन्होंने नंबर बताया उस पर संपर्क सकता है, वरना करनाल बेकिंग न्यूज़ का नंबर 98120013 9812001353 पर जानकारी दे सकता है। हालांकि परिवार वालों ने जो है पुलिस में जो है शिकायत दे दी है गुमशुदगी की, लेकिन अब तक जो है कोई भी लवली के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। तमाम उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, आसपास के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जानकारी मिल पाई लवली के बारे में? मुझे कुछ नहीं जानकारी मिली सर, कोई नहीं मिली जानकारी। अच्छा बच्चा था, किसी बच्चे में खेला नहीं था, कोई आवारा गिरदिन थी कुछ नहीं, यह नहीं पता लगा उस बच्चे का गया कैसे, कहाँ गया, कोई नो बच्चा वो लो फर तो उसका तो नू भी होता भाई, खेलन कूदन जा रहा, उसमें कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा बच्चा। हाँ जी सब बिल्कुल सही बच्चा था, कोई नहीं, कोई बच्चा लो फर उस पर तो हो जा भाई, कैसे लगा सारी जगह पता काट लिया, कोई पता नहीं जिसका। शांत था, काफ़ी मासूम था और उसके बाद जो है लवली के बारे में जो कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि बताया जा रहा है कि पिछले दिनों से जो है कुछ इंस्टाग्राम पर जो है ज़्यादा एक्टिव जरूर था, लेकिन क्या कुछ लवली के दिमाग में आया या क्या कुछ उसको जो है बहलाया फुसलाया गया इसके बारे में जो है कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। और भी उनके कुछ पड़ोसी यहाँ पर मौजूद हैं। लवली क्या मिला था आपको लास्ट टाइम, कब मिला था वो? जिस दिन कन्या जी माई उसी दिन मिला था। तो कोई टेंशन लग रही थी कि आपने कभी देखा? कुछ भी टेंशन नहीं, हंसता खेलता था, मेरे को भी बुला के लाया था घर, कन्या जमाई थी, वैसे शांत अच्छा बच्चा था। हाँ बहुत अच्छा बच्चा था। तो क्या लगता है इंस्टाग्राम पर एक्टिव था, हो सकता है किसी से कुछ बहलाया फुसलाया? हाँ जी सर, इंस्टाग्राम से ही उसे किसी ने बहलाया फुसलाया, वो वैसे जाने वाला नहीं था। तो पुलिस को बताया आपने? हाँ जी, कल पुलिस में परसों भी गए थे, लेकिन कल उसकी कर ली है सर, उन्होंने FIR दर्ज कर ली है, अभी वो मेरे से मिल के गए हैं सर। फोन भी लेकर? हाँ जी, उसका फोन भी लेके गए हैं, कहते हैं जहाँ तक भी हमारी इंक्वायरी हम पूरी करेंगे। नहीं वो अपना फोन ले गया? नहीं फोन लवली नहीं लेके गया सर, पुलिस वाले लेके गए हैं अभी। हाँ जी, वो तो फोन भी छोड़ के गया, हालांकि घर में सर 15-20 हज़ार रुपये पड़ा था, वो पैसे भी नहीं लेके गया मेरे, सिर्फ उसमें से 1300-1400 रुपये लेके गया और 2 जोड़े कपड़े लेके गया, वो भी पुराने। एक बार अपना फोन नंबर बता दो। हाँ जी, मेरा नंबर है 9416863092। जिस किसी को भी उसके बारे में कुछ पता हो सर, इसी नंबर पे मुझे सूचना दी जाए, मेरी हाथ जोड़ के लोगों से अपील है। सही, तो बिल्कुल ये माता जो है अपने लड़के के लिए जो है हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है, अपील करती हुई नजर आ रही है, देखते हैं कि आंखों में आंसू हैं, क्योंकि एक 15 साल का बच्चा जो है घर से अचानक
लापता हो जाता है और उसके बारे में जो है 3 दिन से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनकी नानी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हुई नज़र आ रही है, उनकी माता भी जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हुई नज़र आ रही है। अगर किसी को भी लवली के बारे में कोई भी जानकारी मिल पाती है तो इनके परिवार को जो है ज़रूर सूचना दे सकता है, अन्यथा अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर जो है लवली के बारे में कोई भी जानकारी दे सकता है। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मुकुश तीजा करनाल।